सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे मैं कुछ दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहा, तो वो सब तो छोड़ो। तो जैसे कि तो आज के बाद मैं कम ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो ब्लॉगिंग में कुछ नहीं है, टॉपिक पे वीडियो बनाओ, कंटेंट अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो ही आप वीडियो बनाओ, वरना बिना कंटेंट के ब्लॉग नहीं चल पाएंगे, जैसे मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो बाद में बताऊंगा मैं। उससे पहले तो एक बंद 3-4 बंदे का कमेंट आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि भाई आप अपनी वीडियो एडिट कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो। वैसे मैं बता दूं कि मैं पहले, आप ये स्क्रीनशॉट देखो, मेरे को पता है आपको यकीन नहीं होगा, स्क्रीनशॉट देखो पहले। सो देखा आपने स्क्रीनशॉट, तो आज की वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा। पहले भी एक वीडियो बनाई पिछले वाले चैनल पे, लेकिन वो नहीं है। मैं कैसे एडिट करता हूँ, मैं तो कंप्यूटर से करता हूँ, लेकिन जो अभी नई नई वीडियो यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं उनको मतलब फ़ोन से एडिट करनी है, तो एक बेस्ट एप्लीकेशन बताऊँगा आपको। तो पहले बाहर चलते हैं। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आगे आ जा भाई। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज हम मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी अपनी तो नहीं पहले कैसे करता था वीडियो एडिट, सीधा कर ले। सो अब कैमरा फिक्स है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप मेरी अब स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो मेकअप डाउनलोड कर लेना है, वीडियो वीडियो गुरु है इसका नाम, तो यार बीच वाली एप्लीकेशन दिखेगी आपको, ठीक है। तो उसको खोलते हैं पहले, चलो। अरे कौन सा खुला हुआ है, एक मिनट पैक करो। सो पहले आपको ये दिखेगा कुछ ऐसे नीचे, तो पहले के प्रोजेक्ट है मेरे, ठीक है। तो आपको पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि एक तो व्लॉगिंग में है कि हम व्लॉग देते हैं वीडियो, फिर आपको जोड़नी है। सबसे पहले कौन सा पार्ट लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। चलो मैं पहले कोई सी भी जोड़ देता हूँ, याली जोड़नी है मेरे को, ये दोनों एक साथ जोड़ने हैं, ये याली और याली दोनों एक साथ जोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है जो आपको पहले लगानी है, पहले क्लिप लगानी है वो, फिर उसके बाद जो दूसरी लगानी है वो। तो अब ये दोनों क्लिप जुड़ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ये तो हटाओ, ये देखो ये भी जुड़ गई, ठीक है। तो अब आपको जैसे इसके बीच में ये जो वो दिख रहा है पेंसिल सा, ये इन ये इसके बीच ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। इस पर आप जैसे ये लगाओ, ये लगा लो, कोई सा भी लगा सकते हैं, इसमें ये हो सकता है, ठीक है। सो ये है ये एप्लीकेशन का, और इसको मैं म्यूज़िक जोड़ना भी बता देता हूँ आपको। बैक करोगे तो सेव टू ड्राफ्ट हो जाएगी, बाद में आप यूट्यूब पे डाल सकते हो इसमें। चलो मैं ये नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बैकग्राउंड का मिल रहा है, बैकग्राउंड का ये ऐसे कर सकते हो ऐसे, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना। सो अभी इसको हटाओ, कलर भी चेंज कर सकते हो, ये देखो अभी मैं हटा देता हूँ। सो अभी हम पहले आपको म्यूज़िक का बताता हूँ। आप इफेक्ट पे तब क्लिक करना जैसे आपको कोई साउंड निकालनी है, जैसे कोई फ़नी साउंड होती है उस वो निकालनी है, इफेक्ट पे तब क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको साउंड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये तो मेरा माई म्यूज़िक पे कर रहा है, आपका इस पर आएगा पॉपुलर पे, ऊपर 3-4 म्यूज़िक दिखेंगे, वो सारे सुन के आप डाल लेना, उस पर क्लिक करके फ्री कर लेना उसे वीडियो देख के। और अगर आपको अपनी कोई वीडियो में से चुनना है, ये एक्सटर्नल ऑडियो पे जाना है, ये दिख रहा है ये साइड में, ये हाँ इस पर क्लिक करना है। सो ये इन सब में से जो भी म्यूज़िक होगा वो उस वीडियो में चले जाएगा, जैसे कोई गाने की वीडियो आप पे पड़ी है। चलो मैं आपको एक जोड़ के दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये दिखा देता हूँ, अब ये इसमें जुड़ जाएगी। और अगर आपको इसकी इसकी आवाज़ एकदम लो करनी है, बिल्कुल लो, ये लो करके अब सिर्फ जो गाना मैंने डाला है वही बजेगा, देखा। और इसमें अगर आपको रोटेट करना है, ये रोटेट का दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको दबाना है। फ्लिप का भी हो सकता है, ये देखो ये फ्लिप में ज़्यादा अच्छी लग रही है उसे,
ठीक है, वापस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है, अगर आपको कोई फ़िल्टर लगाना है वो भी लगा सकते हो। अगर आपको जैसे फ़िल्टर के ऊपर कुछ चीज़ें दिख रहा है, ये पिंक पिंक सा ऊपर ये वाला, इसके ऊपर कुछ दिख रहा है पिंक पिंक सा, तो ये मत लगाना है, ये पैसों में ख़रीदना है आपको, पैसों में ख़रीद सकते हो ये, वैसे फ्री नहीं है, बाकी सारे फ्री हैं। जिनके ऊपर ये नहीं है अर्जेस्ट में, जो भी अर्जेस्ट में ये है, इसमें कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये इसमें वाम सॉल्यूशन, ये देखो तो ये है इसमें, और क्या, और वैसे इसके लिए कुछ चाहिए नहीं होता, और क्या चाहिए, और जैसे आपको कोई फ़नी साउंड चाहिए तो ये म्यूज़िक पे क्लिक करना है, एक मिनट, इफ़ेक्ट पे मैंने अभी आपको बता दिया, इफ़ेक्ट पे क्लिक करो, ये बहुत सारे ये आ गए आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर एनिमल्स की साउंड्स, बीप, बेल्स, बर्ड्स, कार्टून, कार्टून लाफर, ये देखो उसमें है, ठीक है, ये है चिल्ड्रन बेबी क्राई, ये फार्ट, फुटस्टेप्स, ग्लिच, हार्ट बीट, इंसेक्ट, कीबोर्ड लाफर, लाफर में अगर आपको ये सारे हैं तो, और अगर आपको सिनेमैटिक बनाया कोई अपना आपने, तो उसकी यहाँ से जाके स्पीड दिख रही है यहाँ पे, ये स्पीड दिख रही है, इस पर क्लिक करना है, अगर स्लो करनी है तो इसको इधर कर दो, और अगर फास्ट करनी है तो उसको इधर कर दो। उसके लिए आपको अपनी साउंड लो करनी पड़ेगी बिल्कुल ज़ीरो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, उसके बाद, वरना इसमें आवाज़ भी तेज तेज, जैसे आपने कुछ बोला तो वो तेज तेज हो जाएगा या धीरे हो जाएगा। सो और क्या है, और अगर आपने उसको स्लो करने के बाद आपको इफ़ेक्ट डालना है, जैसे फ़िल्टर में था वही है ये भी, इसको बस दबा के रखना है, ठीक है, बाकी जिन जिन के ऊपर ताज है वो यूज़ नहीं करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कर सकते हो आप, वरना विदाउट ये बाकी सारे तो वैसे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको इफ़ेक्ट हटाना है, जैसे इस इफेक्ट के आगे ये रेज़र रेज़र दिख रही है, या ये रेज़र, ठीक है, इस पर क्लिक करो, हट जाएगा ये, ठीक है। और क्या है, कोई गाना आपने इसमें डाला है, नहीं गाने पे, अगर आपको कोई गाना मतलब आगे से उधर करना है, अबे ये तो कट गया, एक मिनट, दोबारा खोलूँगा मैं इसको, दोबारा खोलो भाई, खुल जा, तो फिर आपको क्या, जैसे ये साउंड नीचे आएगा आपके, वैसे तो इस पर दोबारा क्लिक करके आप इसको आगे से कर सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं। और क्या है, आप अपनी आवाज़ लो करके गाने की आवाज़ तेज भी कर सकते हैं, नहीं, और अगर आपको कोई साउंड हटाना है, डिलीट पे क्लिक करके हट जाएगा वो। और क्या, बस इतना ही है वीडियो कॉल में, और क्या चाहिए। और अगर आपको ये आपने एडिट कर लिया और आपको सेव करनी है, तो ये ऊपर दिख रहा है, एक मिनट बैक करो, ये ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करना है, आपके आपके नेट के हिसाब से वो वहाँ पे वो आ जाएगी, जैसे 720 या फिर कभी आपका नेट फास्ट चलेगा तो यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन आप उससे जो दिखाया है आपको उससे कम रखना है, उससे जल्दी डाउनलोड होगी और क्वालिटी अच्छी आएगी। सो जैसे मैं मेरी ये दिखा रहा, तो कम से कम इस पर तो करूँगा, ठीक है, तो इसको सेव कर लेना है, सेव मैं करता हूँ क्लिक, ये आपको ना डाउनलोड 100 होने के बाद बिल्कुल ये सारे दिखने लग जाएंगे, आपको यूट्यूब पे डालनी है, अभी तो नहीं होगा जब तक डाउनलोड नहीं होगा। सो चलिए इतना ही बताना था, सो ये वीडियो यहीं तक के रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो ऐसे मैं अपनी वीडियो पहले एडिट करता था, और जो नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो फ़ोन से व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए एक चीज़ बताऊँगा मैं, आप सब ऐसे मतलब फ्रंट कैमरा से कभी व्लॉगिंग मत करना, एक तो उससे क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और कभी भी व्लॉगिंग करोगे ना तो ऐसे लेटा के करना, कि उससे मतलब रोटेटिंग की दिक्कत नहीं होती है, जब भी एडिट करते हैं तो रोटेट की दिक्कत होती है, तो ये वीडियो यहीं तक की है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।